19 तारीख को सातवें व अंतिम चरण के चुनाव समाप्त होने के साथ ही राजनीतिक पार्टियां 23 तारीख को होने वाली मतगणना और रिजल्ट के लिए अपने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विचार विमर्श कर राजनीतिक नफा नुकसान पर चर्चा करती नजर आईं। बेतिहाता स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर 23 मई को होने वाले मतगणना को लेकर जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, गोरखपुर से लोकसभा प्रत्याशी रामभुवाल निषाद सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, 18,000 का मतलब हमारे हो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से 32,945 हो और 1,000 भारतीय जनता पार्टी को मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि इस चुनाव 188,598 वोट जाने को हुआ। इस चुनाव में 11,21,543 वोट हुए। अभी तक का ये सर्वाधिक वोट गोरखपुर के लोकसभा में। ओवरऑल में 54,55 ही हम रह जाते थे, क्योंकि ये पोलिंग 57% कोई 19,54,000 कुल मतदाता आपके लोकसभा गोरखपुर में है। 19,54,000 मतदाताओं में से शहर में पिछले पोल से कैटेगरीगंज में पिछले पोल से 32,239 वोट जाने को हुए। पिपराइच में पिछले पोल से 17,706 वोट जाने को हुए। शहर में पिछले पोल से 69,948 वोट जाने को हुए। और सहजनवा में 37,224 वोट जाने को हुए। अब मेरा ये और वो 55% वोट पाए थे भाजपा के लोग, हमसे वो 55% ही अगर पाते हैं तो 55% पाने पर वो जितना जाएंगे वो भी रेस्क्यू हमने निकाल लिया है, और 39% जाने पर हम जितना जाने जाएंगे उतना भी रेस्क्यू हमने 30-40,000 के अंदर की गए। इस गैप को हम उसी अनुपात में अगर सजमा में हम 50% पाए हैं वो आज भी हम 50 से कम नहीं हमारे लिए बहुत होगी। मैंने आपको बता दिया कि आपके पास वैसी मिसाइल है और भारतीय जनता पार्टी के पास वैसा हथियार है। दोनों दलों के पास जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं इन आंकड़ों को हम आपके दलों से जनता ने जो आंकड़ा दिया है 2018 के अब तुम लोग को ये ध्यान देना पड़ेगा करते क्या है, क्योंकि दिल्ली में एक लोग है हम लोग यही कर ले गए तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों में 200 300 500 से भी तमाम उम्मीदवार जीत गए। वो निशान की जाती तो उसमें जो कमियां अधिक हुए हों जो भी जो बात करनी हो उसको फिर आप कोई से बता सकते हैं, लेकिन जो प्रतिशत हमारा है वो प्रतिशत शानदार प्रतिशत है और उस प्रतिशत के मुताबिक हमारी जीत हर हाल में होगी। लड़ने का पूरा प्रयास किया गया, डाउन किया गया, मगर जब मैं सवेरे यहाँ पर सिंहासन यादव जी रात के नगर इलाके में घुसे हैं यहाँ के संबंध में ही बैठक बुलाई गई है। हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा अध्यक्ष और जो हमारे वहाँ नेता लगे हुए थे उन लोगों को बुलाया गया है। 23 तारीख को गोरखपुर में फिर एक नया इतिहास समाजवादी पार्टी लिखेगी। गठबंधन की सीट गोरखपुर और बांसगांव दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कब्जा होगा। गणना कराने के बारे में ही चर्चा की जाएगी।